आखिर क्यों है परेशान मकर राशि और कैसे इनके जीवन में बाधा से मुक्ति मिल सकती है, कैसे परेशानियों का अंत हो सकता है, उस महा उपाय को भी हम जानने और समझने वाले हैं। हमने इस वीडियो को 5 पॉइंट में डिवाइड किया हुआ है, जिसके माध्यम से आप अच्छे से समझ पाएं कि परेशानी क्यों बनी हुई है और साथ ही साथ कैसे और किस महा उपाय से हम सफलता को प्राप्त करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट होगा, आप ध्यान दीजिएगा कि सभी 9 ग्रहों का गोचर प्रभाव हमें प्राप्त होता है। हमें किसी एक ग्रह को लेकर के नहीं चलना है कि आज की स्थिति हमारे, मान लीजिए शनि देवता को पकड़ते हैं, शनि देवता आपके धन भाव पर हैं, आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएंगे। अब हमें साथ साथ ये भी चलना है कि बाकी ग्रहों की स्थिति हमारे जीवन पर क्या बनी हुई है। राहु को देखा जाए तो आपके पराक्रम भाव पर हैं, हालांकि राहु जब पराक्रम भाव पर होते हैं पराक्रम में वृद्धि और भाग्य उन्नति कराते हैं, क्योंकि भाग्य भाव पर इनकी दृष्टि होती है। दूसरे तरफ से समझिए कि जैसे आपके घर में मान लीजिए कि कई सदस्य हैं और कई सदस्य होने के बाद कोई एक कार्य हमें करना है तो सबका हमें रजामंदी चाहिए, सबकी रजामंदी जिस कार्य को करने के लिए होगी वही कार्य हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक उसी प्रकार से सभी के सभी 9 ग्रहों का हमें प्रभाव अच्छा या बुरा मिलता है और जिसके कारण से हमें सुख और दुख की प्राप्ति होती है। दूसरा जो पॉइंट होगा वो होगा देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना। पिछले 4 महीनों से करीब करीब ये देवगुरु बृहस्पति आपके वक्री चल रहे हैं, जो कि आपके जीवन में 12वें घर के स्वामी हैं और साथ ही साथ ये आपके पराक्रमेश भी बनते हैं। जब ये आपके सुख भाव पर वक्री हो गए थे, इसका मतलब हमारे सुख में कमी की प्राप्ति होना या मानसिक अशांतियों का दौर काफ़ी बढ़ जाना, पिछले 4 महीनों में आपने देखा भी होगा। अब लेकिन एक बात ये हो गई कि जनवरी 2024 में यही देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो जाते हैं। अब मार्गी अवस्था में आने के कारण ये आपके कैरियर को भी दृष्टि दे रहे हैं सातवीं दृष्टि से, इस कारण से कैरियर हमारा अच्छी प्रबलता की ओर सिद्ध होते हुए हमें प्रदर्शित हो रहा है। अब वास्तव में क्यों प्राप्त नहीं हो रहा है, आपको 4 नंबर के पॉइंट पर आपको और क्लियरिटी आएगी। तीसरे नंबर के पॉइंट पे चलते हैं, जहां पर हम यहां पर लिखे हुए हैं शनिदेव, जो कि आपके मकर राशि के अपने राशि के स्वामी बनते हैं, साथ ही साथ आपके वित्त मंत्री भी बनते हैं और शनि देवता स्वयं अपनी राशि में हैं। शनि देवता धन की वृद्धि क्यों नहीं करा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, शनि देवता विलंब के कारक हैं और इसी कारण तो भाई इनकी जो प्रभाव होती है एक राशि पर 2.5 साल के लिए होती है और आपके धन भाव पर ही आए हैं, मतलब धन की वृद्धि तो होगी, इस बात की आप प्रमाणिकता को आप मान ही लीजिए। दूसरे तरफ से यही शनि देवता हमारे परीक्षा के कारक माने गए हैं, हमें परीक्षा लेते हैं हमारी, और जो अपने अग्नि परीक्षा में सफल हो जाता है उसे ही शनि देवता बहुत कुछ प्रदान करते हैं, बहुत सफलता और श्रेष्ठ संपन्नता भी इन्हीं शनि के हाथों में है। इस बात को समझना है, हमें पेशेंस रखना है, हमें धैर्य रखना है। धीरज धर्म मित्र रुनारी, आपद काल परख यही चारी, जो अपने अंदर धीरज रखता है, अपने कार्य को निरंतर करता है, शनि देवता उनके साथ में है, ये समझे जो आपके धन भाव पर उपस्थित हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है जो इसके साथ में हमने लिखा है, हमारे रत्न जो हम धारण करते हैं। हम कहीं से भी कुछ भी सुने, मान लीजिए मकर राशि के स्वामी शनि होते हैं, बहुत से लोग नीलम धारण कर लेते हैं। अब मान लीजिए शनि की स्थिति आपके जीवन में आपके बर्थ चार्ट में अनुकूल नहीं है, तब तो वही नीलम आपके जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकता है, खराब कर सकता है। इसलिए कोई भी आप रत्न धारण करें, चाहे पन्ना पहने, मूंगा पहने, पुखराज पहने या फिर माणिक पहने, एक अच्छे जानकार ज्योतिषी से परामर्श लेने के बाद, अपने बर्थ कुंडली को चेक कराने के बाद आप रत्न धारण करेंगे तो वो आपको विपरीत परिस्थितियों में भी एक सफल, एक सही समय आपके जीवन पर आपको दिखा जाएगा। चौथा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारे जीवन में हमारे कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है। एक तो हम देखते हैं YouTube के माध्यम से, अनेक हजारों ज्योतिषी अब भरे पड़े हैं YouTube में, जो अपने अपने ज्ञानानुसार आपको ज्ञान दे रहे हैं। परंतु एक बात आपको समझना होगा, जब तक आपके जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं होगी, यहाँ आपको रिजल्ट सिर्फ 50-60% ही आपको प्राप्त होगा। और जिसके कारण से हमें ये लगता है भाई अमुक ज्योतिषी ने अपने वीडियो में ये कहा था, हमारे साथ घटित क्यों नहीं हो रही है, तो इसका मुख्य कारण अपने जन्म कुंडली का आप विश्लेषण कराइए, जहाँ पर आप ये निकाल पाते हैं कि भाई दोनों को मर्ज करने पर, दोनों को मिलान करने पर, ये कुंडली और आपकी बर्थ चार्ट की कुंडली, जो आपके बचपन की फोटो है वो आपकी जन्म कुंडली है और जो आप वो आपकी ये गोचर कुंडली है। किसी जानकार ज्योतिषी से आप संपर्क कराइए, हम कभी नहीं कहेंगे कि आप हमसे संपर्क कराइए और ना ही हमारे किसी भी वीडियो में आप बता दीजिए जहां पर आपको नंबर फ्लैश होते हुए हमारा दिखाई दे।
हम तो ये चाहते हैं इसी गोचर कुंडली के अनुसार आपके जीवन में कैसे हम परिवर्तन ला पाए, एक नए नए सभी ग्रहों का हम एक प्रभाव दिखाना चाहते हैं आपको, इन सभी ग्रहों के सकारात्मकता को कैसे हम अपने जीवन पर उतार सकते हैं, इस बात को लेकर के हमारा सारा वीडियो होता है, आप देख लीजिए। तो इसलिए वहाँ पर आपको काम करने की आवश्यकता है। वहाँ पर यदि कोई ग्रह दशा, महादशा, अंतर दशा, प्रत्यंतर दशा कुछ विपरीत चल रहे हैं तो कैसे हमारे जीवन में सफलता आ जाएगी। मान लीजिए आज शनि को लेते हैं, तो यदि आपके बर्थ चार्ट में शनि का ट्रांजिट यदि शनि के ऊपर से गुजरेगा या जो भी ग्रह आपके सेकेंड हाउस में बैठे होंगे उस ग्रह से गुजरेगा तो वो ग्रह आपके प्रभावी हो जाएंगे और उनका इफेक्ट आपको 100% प्राप्त होगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा कैसे होगा वो आपके बर्थ चार्ट से। तो ये एक सबसे बड़ा कारण आपके लिए परेशानी का कारण, कहीं ना कहीं बर्थ चार्ट में कुछ नकारात्मक ग्रह संयोग बने होंगे। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होगा कि हमें विश्वास की कमी हो जाती है। हम अपना कोई कार्य करते हैं, अपने इष्ट के प्रति हमारी श्रद्धा है, उनकी आराधना करते हैं, कोई जाप तप पूजा पाठ धर्म कर्म करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद हमें ये ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है और हम बस शांत हाथ पर हाथ धर के बैठ जाते हैं कि भगवान भी हमारे सहाय नहीं है। यहीं पर हमसे सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है। जो सारे संसार के जो रचयिता हैं, सारे संसार का जो पालन पोषण कर रहे हैं, ये भगवान भला आपकी बातों को कैसे नहीं जान रहे हैं। लेकिन सभी के सभी जो नौ ग्रह हैं भगवान के अनुचर हैं, आप मानिए सभी को एक दायित्व प्राप्त है। भाई कर्म के देवता शनिदेव, भाग्य के देवता हमारे गुरुदेव, और आपकी कुंडली पे जैसे जैसे ग्रहों की स्थिति है उसके अनुसार हमारे देवता, हमारे परमात्मा हमें फल की प्रदान करते हैं। लेकिन दूसरे तरफ वो यदि चाहें तो कैसी भी बुरी परिस्थिति हमारे ग्रहों की हो, कि किसी भी विपरीत परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं, हमारे विश्वास के अनुरूप वो हमें फल जरूर प्रदान करेंगे। आपने सुना भी होगा विश्वासम फलदायकम, और उसी बात को समझते हुए निरंतर अपने कार्य को आगे बढ़ाइए। यदि एक दिन भी हम मान लीजिए निरंतर हम पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई एक दिन भी हम यदि छोड़ देते हैं तो पिछले 21 दिनों का प्रतिफल वो नष्ट हो जाता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। तो इसलिए अपने श्रद्धा पर अडिग रहिए, अपने विश्वास पर अडिग रहिए, निश्चय मानिए वो परमात्मा सबकी सुनते हैं, आपकी जरूर सुनेंगे। अब महा उपाय पर चलते हैं, कौन से उपाय कर सकते हैं सदैव सदैव के लिए, हमेशा के लिए आपके लिए जो सफलता कारक रहे। अपने इष्ट देवता को पहचानिए, कौन है आपके इष्ट देवता। सब व्यक्ति के लिए अलग अलग कोई इष्ट हो सकता है, क्योंकि कहा गया है शास्त्रों में एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। इस हिसाब से आपके 6 नंबर बैठे हुए हैं, मतलब 9वां भाव पर, इसका मतलब भगवान श्री गणेश जी महाराज आपके इष्ट देवता होते हैं। वो आपके विघ्नों का हरण करेंगे और मंगल जीवन में आपके प्रदान करेंगे, इसलिए उनके मंत्रों का जाप, हरा हरा दुर्वा चढ़ाना भगवान श्री गणेश को, आपके जीवन में सफलता दिला सकता है, भाग्य उन्नति दिला सकता है, क्योंकि भाग्य के स्वामी बुद्ध देव बनते हैं। कौन से उपाय हैं धन वृद्धि के लिए, तो आर्थिक प्रबलता के लिए आप अपने राशि के स्वामी शनि को पकड़ लीजिए। जहाँ पर भी लंबे यात्रा के लिए, जहाँ पर भी रोड का निर्माण हो रहा है, और उस रोड में चाहे अपने घर में हो या फिर आपके शहर में हो या फिर कहीं पर भी रोड जहां बन रहा है वहां पर जो श्रमिक कार्य कर रहे हैं उनको जो भी डोनेशन देते बने आप दीजिए, उनका कोई भी हेल्प मदद करते हुए आपसे बने कीजिए, साक्षात शनिदेव आपके प्रसन्न हो जाएंगे। पीपल पेड़ में शनिवार के दिन दिया जलाना मत भूलिए, चाहे तो तिल तेल का हो या फिर सरसों तेल का दीपक जलाइए, बहुत कुछ निकल करके सामने आएगा, आर्थिक प्रबलता यहाँ बढ़ेगी। कामना सिद्धि के लिए आपकी कोई भी इच्छाएं हैं उन इच्छाओं को पूर्ति कराने के लिए आपके मंगल देव प्रभावी होते हैं, इसलिए सदैव निरंतर ये ध्यान रखिएगा। हनुमान जी महाराज मंगल देव को प्रभावित करने वाले हमारे देवता माने गए हैं, इसलिए सुंदरकांड, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, ये सब का पाठ पूजन निरंतर, और वो भी निरंतर यदि हम करते रहें तो निश्चय मानिए एक दिन ऐसा जरूर आता है जब हमारे प्रारब्ध कट जाते हैं तो जो हमारे सुफल हैं, जो इस समय पर जो हम अच्छे कार्य कर रहे हैं उसकी शक्ति और उसकी सिद्धि हमें प्राप्त होती है और हम अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जिसके हम वास्तव में हकदार होते हैं। और इस प्रकार आप समझ गए होंगे अब तक कि कैसे आपके जीवन में परेशानी का कारण बना हुआ क्या का कारण है और कैसे आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, इस पर आप कार्य कीजिए। और हमारा आपको शुभकामना है कि आप सभी सफलता के श्रेष्ठ और शीर्ष मुकाम तक पहुंच पाएं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आप इसे समझा है जाना है, हमारे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, हमारे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा।
और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।